गाइज वेलकम टू दिस पॉइंट ऑल ऑफ योर एवरी होम आई एम फाइन एंड आज भी आप लोग के लिए लेके आ चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तो ऑबियसली है एंड साथ ही मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी है क्योंकि uh, मैं जो भी क्राफ्ट हैंडमेड क्राफ्ट बनाई हूँ वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या है टोटल सब कुछ मैं दिखाऊंगी सो दिस इज द वीडियो दैट शोइंग यू ऑल ऑफ माई हैंडमेड क्राफ्ट्स सो लेट्स देती हूँ एंड सो गाइज ऑलमोस्ट लाइक देर आर थर्टीन हैंडमेड क्राफ्ट दैट आई हैव मेड बाई माई ओन सो सारे के सारे मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो सो so, uh, बनाना क्या मतलब ये मैंने यूट्यूब से ही इंस्पायर्ड होके बनाया है आप लोग भी वैसे कर सकते हो मैं बकवास ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं आगे बढ़ती हूँ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं दिखाने वाली हूँ मैं सबसे पहले देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं uh, जैसे पेन स्टैंड्स थ्री है फोटो फ्रेम टू कार्ड्स में ही ज़्यादा हो चली गई है एंड ओके सो मैं एक एक करके दिखाती हूँ सबसे पहले मैं पेन स्टैंड दिखाती हूँ देखो सबसे पहले है आपको पता है मैंने इसका वीडियो मैंने बनाया था मेकिंग पेन स्टैंड एट होम चैलेंज था मैंने मैंने एक चैलेंज लिया था उधर आपको दिखने देखने को मिल जाएगी अगर नहीं देखे आप लोग अभी तक आ, वो वीडियो अगर नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड गो एंड चेक इट आउट सो दिस इज़ द वन पेन स्टैंड विच आई मेड ऑफ़ माई ओन मैं इधर शॉर्ट वीडियो डाल भी दूंगी अच्छे से दिखाने के लिए सो दिस इज़ पेन स्टैंड नंबर वन पेन स्टैंड नंबर टू दिस वन ऑल्सो आइव शो यू दैट दिस इज़ अ हैलो किटी वन दैट आई हैव ऑल्सो मेड बाय सींग यूट्यूब इंस्टा नंबर थ्री पे चलते हैं ठीक है ओके दिस वन मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ देखो कितना प्रिटी सा है ये ट्रायंगल शेप में है ये फॉयल है सिल्वर फॉयल एंड आई हैव हैल्सो पेस्टेड सम स्टार्स एंड ग्लिटर्स बट दैट ऑल केम आउट द्लू डिट द ग्लू वॉज नॉट गुड दैट मच सो एंड बट अगर मैं इसको मैं खुद को रेट करूँ इसके लिए तो आई एम गोइंग टू गिव इट लाइक द फाइव वाई बिकॉज अगर आप ऐसे सपोज इफ आई कीप इट लाइक दिस इट विल स्टे बट एज देयर इज नो बेस सो इट विल फॉल यू कैन सी सो दिस इज वन बिग बिग यू नो लाइक अभी आप भी ऐसे कर सकते हो कि इधर एक कार्डबोर्ड चिपक दो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो दिस वेरी इजी यू कैन मेक इट यू कैन डेकोरेट इट ऑफ योर ओन एंड साइड से भी बहुत प्रिटी लगता है दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है बट uh, आपको थोड़ी सी नीचे एक बेस भी बनाना चाहिए ठीक है मेरी तरह गलती मत करना ओके सो वोट वन ठीक है सो so, नेक्स्ट अभी मैं कार्ड वाले सेक्शन पे मैं जाऊँगी एंड सबसे पहले इधर मुझे मेरे पास दो ऐसे हैंडमेड चीज है बहुत ये है, मैंने बनाया आप कह सकते हो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो चुकी थी वो दिस वन वन इज दिस अम्ब्रेला जिसका ये हैंडल थोड़ी सी ऐसा है क्योंकि हमने वैसे ही बनाया है ये टिकता नहीं है आप ऐसे करके नहीं रख सकते ये टूट जाएगा इसीलिए आपको ऐसे जस्ट रखना है ठीक है नेक्स्ट वन अच्छा ये एक पेपर से बना हुआ है ठीक है टर्टल गूगली आइज देते थे ऐसे कलर शीट्स देते थे मतलब जितना उधर उस बुक में क्राफ्ट्स होंगे उतना उसके वजह से वो लोग क्राफ्ट्स मटेरियल्स भी दे देते दे थे उधर से ही मैंने ऐसे दैट ओनली कैसा लगा सो या नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द मेन सेक्शन दैट इज द कार्ड सेक्शन ओके मैं सबसे पहले बता दूँ सारे के सारे कार्ड्स मतलब फॉर बर्थडे एंड वैसे नहीं है कुछ कुछ मैंने सिंपली बनाया था जैसे सीखने के लिए वो क्राफ्ट्स जैसे ये एक सैंडर्ट है सैंडर्ट हैंडमेड क्राफ्ट ठीक है दिस वन इज अ सैंडर्ट हैंडमेड क्राफ्ट इधर मैंने सबसे पहले स्केच कर लिया था पेंसिल से कल का डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है इधर इनसाइड में कुछ नहीं है ठीक है जस्ट खाली है इधर मैंने ट्रेस कर लिया डिज़ाइन फिर उसके ऊपर मैंने ग्लू चिपका दिया एंड ग्लू के ऊपर ऐसे सैंड को ड्रॉप कर दिया एंड दिस वन इज द फाइनल लुक कैसा लगा ये मैंने बनाया है बहुत ही प्रिटी। मुझे तो बहुत प्रिटी लगा है फिर मैं आपको सबसे पहला जो कार्ड दिखाऊंगी वो मैंने सब पहला पहला मतलब फर्स्ट कार्ड दैट आई गिफ्टेड टू माय मदर दिस इज द कार्ड पी वाला उठ गई है पता नहीं क्यों एंड इधर मैंने जो भी लिखा था वो भी उठ गई है थोड़ी थोड़ी एंड दिस इज थिंग कैसा लगा ओके okay. नेक्स्ट जो है वो कार्ड है बट वो मैंने किसी को गिफ्ट नहीं किया जैसे मैंने बोला ना दो ऐसे कार्ड है ठीक है ये जो मैंने दिखाया सैंड आर्ट वाला एंड ये है वॉटर कलर इफेक्ट देख सकते हो वाटर कलर इफेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा लाइटिंग हो गई क्या वाटर कलर इफेक्ट मैंने दिया है ये मैं रिसेंटली uh, किया था मैंने लाइक यू नो लाइक ये लास्ट विंटर में ही मैंने बनाया था ऐसे वाटर कलर इफेक्ट दे के जस्ट फॉर माई माई सेल्फ आई हैल्फ हैप्पी न्यू ईयर नथिंग एल्स इधर वही लिखा है ये देखो अंदर कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऊपर हैप्पी न्यू ईयर है, लिखा है तो so, या yeah. ये दो तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बनाया था मैंने एंड uh, वो तो कार्ड और जो जो भी कार्ड है वो सारे बर्थडे के लिए ही है मेरे सो दिस वन इज द कार्ड विच आई गेव ऑन ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन ओके ऑन माई मदर्स बर्थडे Uh, 2019 पे मैंने ये बनाया था ये कार्ड बहुत सारी ऐसे स्टिकर्स भी थे बट वो उठ गया दिस इज प्रिटी सा मुझे लगता है ये बटरफ्लाई का ही शेप इधर मैंने दे दिया बहुत क्यूट सा है नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट इज ये देखो ये भी है मम्मी का फिर मैं पापा पापा का दो जो मैंने गिफ्ट किया था पापा को वो मैं दिखाऊंगी बट ये है ये अभी तक है बट ये दो इधर हर्ट था वो उठ के चला गया क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, ये डबल साइडेड टिप कुछ दिन के लिए ही रहता है बहुत गंदा है ठीक है सो दिस वन आई गिफ्ट ऑन टू थाउजेंड ट्वेंटी लास्ट ईयर बर्थडे पे मैंने दिया अंदर से भी ऐसे ही कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है मेन शो इस ऊपर से ही है नेक्स्ट अभी पापा के बर्थडे पर मैंने जो दिया एक ये वाला और एक भी मैंने पापा के वर्ड पे दिया था वो हार्ट वाला वो बहुत ही यू नो लाइक पता नहीं क्यों वो स्ट्रोकस में ही हम रखते हैं बहुत सेफली रख, रखते हैं बट वो खुद से ही इतना गंदा था कि वो खुद से ही एकदम मतलब uh, वो पेपर बहुत गंदी थी खुद से एकदम uh, वेस्ट हो गई सो दिस वन इज द वन विच आई गिफ्टेड टू माई फादर ऊपर से ऐसा लगता है एंड अंदर से ऐसा इधर डेट नहीं लिखा है आई थिंक ये वाला मैंने 2020 में गिफ्ट किया है आई होप यस आई थिंक ये 2020 में ही हमने गिफ्ट किया है अब देख सकते हो बहुत सिंपल रखा है ज़्यादा कुछ क्योंकि ऊपर वाला डिज़ाइन ही बहुत अट्रैक्टिव है ठीक है ओके okay, नाओ ये जो मैंने दिखाया बिकॉज ये जो है ये मैंने लास्ट मतलब ये फोर्थ में जब टू uh, थाउजेंड में मैंने गिफ्ट किया था ये जो गिफ्ट बॉक्स इसको आप जब ओपन करोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगी मुझे पता नहीं ऐसे मैं कितना दिखा दूंगी मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी ज़रूर ये देखो देख सकते हो बहुत टाइम लगा मतलब बारह बज गए उस दिन फिर भी मैंने बना के फिर बारह बजे मैंने गिफ्ट किया था एंड ये दो नॉर्म सॉरी uh, ये नॉर्मल ऐसा ही है फिर ये ऐसे खोल जाते हैं वेट खुल जाते हैं इधर कोर्ट है लिखना है लिखा है फिर इधर ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखा है मैंने बर्थडे बेलून्स मैंने ऐसे पेपर से किया एंड इधर तो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी बर्थडे है सो दिस वन एंड हियर आई हैव मेड अ केक फेक केक सो दिस वन आई हैव गिफ्टेड ऑन 2021 दिस ईयर ओनली ऑन फोर्थ में सो दिस वन नाउ आई एम कमिंग टू माय लास्ट सेगमेंट दैट इज द फोटो फ्रेम ठीक है सो फोटो फ्रेम में सबसे पहले ये मेरी आंट का पिक्चर है विथ मी ये देखो मैं हूँ ये मैं हूँ देख सकते हो मैं जब छोटी थी ऐसे दिखती थी मैं आप अभी बताना मुझे कि छोटी वाली पिक्चर कैसा लगती है ठीक है तो ये पिक्चर को मैंने ऐसे फोटो फ्रेम बनाया ये सारा ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे हम हाँ, मैंने पेपर से मार्बल पेपर कहता है आई थिंक ऐसे फ्लावर ड्रॉ बना के ऐसे मैंने कर दिया है

ठीक है एंड दिस वन इज़ द फोटो फ्रेम दिस वन एंड ये बहुत स्ट्रॉन्गली मैंने बनाया कि लाइक ये गिर ना जाए ऐसे कुछ एंड ये थोड़ी सी ऐसे हो रहा है क्योंकि इसमें जो क्लिप है वो थोड़ी सी ऐसे ही आती है वो प्रॉब्लम नहीं है रखने के बाद ठीक हो जाती है एंड ये ऐसे पीछे ऐसे कुछ नहीं है ऐसे आप न, आ, स्टेबल करके कर रख दो कि होप दैट यू हैव लाइक माई क्राफ्ट मैंने जो भी आपको दिखाया सारे के सारे मैंने खुद बनाए थे आपको कैसा लगा ज़रूर बताना एंड कॉमेंट uh, करके बताना आपको कैसा लगा एंड यार जल्दी से 130 सब्सक्राइबर्स कर दो फिर तो आगे तो बढ़ना है ना 128 पे फिर से टक गए क्या करे हो जल्दी से कर दो यार एक 130 तो मांगी हूँ क्या ज़्यादा मांगी हूँ जल्दी से कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू गिव दिस आ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट मैं 140 पे जाऊंगी बट सबसे पहले 130 थर्टी तो कंप्लीट कर तो, दो दो सब्सक्राइबर्स आ नहीं सकते क्या मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ आप भी एंजॉय कर सो so, मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट सो बाय बाय स्टे सेफ स्टेट होम बाय बाय